हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माहिरो केडमा मांगा चैप्टर 360 के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट हो है, हमें दिखता है वन फॉर ऑल शिगुराकी बकुगा का मुंडी पैर से कुचलते हुए। फिर शिगुराकी बोलते हैं इज़ुकु मिडोरा को तब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? और बकुगा को बोलता है और कि तू कुछ भी कर ले, कोई भी तकनीक अपना ले, तू हमेशा परछाई बन के लेगा इज़ुकु की। ये तेको अच्छा लगेगा, कुछ कर। ऐसा मतलब भड़काने का ट्राई करता है, बोलते अभी देखते हैं क्या होता है। इस मतलब बकुगा के मुंह के अपना हाथ लाता है डीके करने के लिए। शायद हाडो अपना एक अटैक मारती पी का नाम से, कोई नया अटैक है। और पर शिगुराकी तब बकुगा को सामने लाता है, जिससे हाडो को अटैक रिवर्स लेना पड़ता है। टामाकी पीछे से आता है और शिगुराकी के ऊपर पॉइजन करने का ट्राई करता है, स्कॉर्पियो पॉइजन। पर शिगुराकी बोलता है अरे मेरी बॉडी इवॉल्व हो रही है, पैथेटिक है मेरे सामने। तब से हमें पीछे मिलेनियम दिखता है और बकुआ को छुड़ा के भाग जाता है। बोलता है जीनस जीन बैड जीनस कैच करता है और बोलता है तू अपना हाथ आगे कर, अभी हम लोग को तेरे स्वर्ड बम की बहुत ज़रूरत है। और मिलेनियम बोलता है मेरी पावर तेरे सामने कुछ नहीं है, पर अकेले अकेले पर मैं अभी ट्रिक लगाऊंगा ना। तब हाडो को बोलता है कि अपना अटैक मेरे हाथ में बांध, मतलब उन लोग हाडो अपना अटैक देती है अपने हाथ में बांधते हैं और उसे शिगुराकी को एक पंच मारने आता है। और फिर हमें दिखते हैं बैड जीनस बोलता है कि तेरे को आराम से रहना है, हम लोग को भी तेरी ज़रूरत है, तेरे बॉम्ब्स की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। और देखते हो बहुत बकुगा को देखता है और बकुगा एकदम गुस्से से शांति से देख रहा था, पर गुस्से में कि कैसे हराओ, क्या करूँ क्या करूँ। बैस जीनस देख के हैरान होता, बोलता है इतने के बाद भी इसकी हिम्मत टूटी नहीं है। और चैप्टर बकुगा के मुँह से पसीना गिरते हुए अपने आप ही फटता रहता है, मतलब ब्लास्ट हमेशा बकुगा को करना था, इसमें अपने आप ही होता है। और इसी पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर बहुत छोटा था। और चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।